वो अपने खेतों को फिर से बो सके, और जब तक कि फसल नहीं आ जाती है तब तक वो अपने फैमिली का पालन पोषण कर सके। तो क्योंकि जबकि वो फार्मर था, एक फार्मर होते हुए भी वो लिखना जानता था, वो पत्र लिखता है और स्वयं जाता है शहर और पत्र पोस्ट करता है। और जब वो पत्र एक पोस्टमैन के हाथ में आता है तो आ पोस्टमैन हु वाज वेरी काइंड हार्टेड, जो कैसा था, बहुत ही काइंड हार्टेड था, एमिएबल था, हंसमुख था, फ्रेंडली था, क्या करता है, शॉ दिस लेटर टू गॉड, वो भगवान के लिए इस पत्र को देखता है। जब वो भगवान के लिए ये पत्र देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि लिखने वाला मतलब राइटर जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास है। तो देखिए कहते हैं कि इन ऑर्डर टू सेव राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का जिसने ये पत्र लिखा, लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करता है वो, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉइज से मनी कलेक्ट करता है एंड हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, स्वयं अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है, सबसे पैसा मांगता है, किस लिए, इन ऑर्डर टू सेव राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसे पता था ये लेटर भगवान के पास तो जाएगा नहीं, और जब भगवान के पास नहीं जाएगा, जा नहीं सकता है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा, और अगर उसकी हेल्प नहीं होगी तो लैंचो का मतलब राइटर का भगवान के प्रति जो विश्वास है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसका लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, क्योंकि उसने 100 पीसेस मांगे, उसके पास तो इतने थे नहीं, तो वो अपने एम्प्लॉयज से मांगता है और खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है, बट ही कुड कलेक्ट, लेकिन वो क्या कर पाता है, बट ही कुड कलेक्ट एंड सेंड Only 70 pesos, वह केवल 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है और उसको भेज पाता है। तो वो है जो वो only 70 pesos भेजता है। मैं लेंचो काउंटेड द मनी, और जब लेंचो उसमें पैसे को जब उसने गिना तो क्या किया, एंड फाउंड ओनली 70 pesos, उसने जब उस पैसे को गिना और केवल 70 pesos पाए तो he got angry, वो गुस्सा हो गया, लेकिन वो भगवान से गुस्सा नहीं हुआ, भगवान से क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था। वो किस बात से नाराज हो गया, देखिए, he wrote another letter to God, उसने दूसरा लेटर गॉड के लिखा, asking him for rest of the money, rest of बचा हुआ पैसा, रेस्ट ऑफ द मनी, बचा हुआ पैसा कितना बचा था, 30 pesos, तो उस बचे हुए पैसे को मांगने के लिए उसने गॉड को फिर से लेटर लिखा, और क्या लिखा, पैसा तो मांगा बट नॉट बाय पोस्ट, लेकिन उसने पोस्ट द्वारा नहीं मांगा, एज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि उसकी नजरों में ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों का झुंड है। ऐसा उसे क्यों लगा कि उसने ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेईमान हैं, क्योंकि उसे भगवान में दृढ़ विश्वास था और वो सोच जानता था कि भगवान ने तो उसे 100 pesos भेजे होंगे, लेकिन जब वो पोस्ट से आए बाई पोस्ट तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने 30 pesos उसमें से निकाल लिए। तो वो दोबारा भगवान को पत्र लिखता है और कहता है कि बाकी के पास पैसे भी मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन बाई पोस्ट मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज बेईमानों का झुंड है। इस तरह से वो फिर से भगवान से पैसा मांगता है। तो देखिए, सच वॉज हिज फेथ इन गॉड, ऐसा उसका लेंचो का भगवान में विश्वास था, उसे इतना विश्वास था कि जो पैसे आए हैं ये भगवान ने ही भेजे हैं, और इतने कम इसलिए हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने इन्हें निकाल लिया है। तो इस लेसन की शॉर्ट समरी पूरी हुई, और आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और आप ऐसे ही मेरे और वीडियोस मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।
Thank you.